नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी। कोरोना की महामारी के बीच एक दिन नया सवेरा होगा। रोंगटे खड़े करने वाले हैं। ये तस्वीर एक मजदूर परिवार की, लॉकडाउन में फंसे मजदूर की घर वापसी की। बैलगाड़ी खींचने के लिए दो बैलों की ज़रूरत होती है, ऐसे में परिवार के सदस्य बारी बारी से बैल बनकर गाड़ी खींच रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास के मंगलिया बाईपास की एक तस्वीर आई है। ये मजदूर परिवार के बैल की मौत के बाद खुद ही बैलगाड़ी खींचकर घर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी पिता, कभी माँ, कभी बेटा बैलगाड़ी को खींचता है चिलचिलाती धूप में बेबस मजदूर परिवार। बैलगाड़ी से राजस्थान के लिए परिवार के तीन लोग निकले थे। रास्ते में एक बैल की मौत हो गई, उसके बाद परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। अब एक बैल के सहारे ही घर पहुँचना है। जान जोखिम में डालकर भी मजदूर सफर कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बेबसी की तस्वीरें देख रूह कांप जाती है। इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे, मजदूरों के बेबसी की, उनके घर वापसी के, तो आपके रोंगटे खड़े जरूर कर देगा। कब चले हो लखनऊ से? ईद में आ रहे हो घर? ईद में घर कहाँ है? दरभंगा से मिली? ठीक है, जाओ। इस जुगाड़ गाड़ी पे ये लखनऊ से दरभंगा की ओर अपने घर वापस ईद में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी मजबूरी, इनकी गरीबी, इनकी बदहाली कुछ छिपी नहीं है। ये देखिए ठेले से कितनी दूर से आ रहे हैं ये घर अपने वापस। ट्रकों पे आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, पहले आसियाना हो, घर हो, दो वक्त की रोटी हो, फिर कोरोना को देखेंगे और डिस्टेंसिंग को देखेंगे। क्योंकि ये मामूली भारतीय हैं, इनके स्वागत के लिए कोई खड़ा नहीं मिलेगा, तालियां बजाकर इनकी स्वागत कोई नहीं करेगा। ये अपने घर पहुंचने के लिए हिम्मत कर जो बन पड़ा उससे निकल पड़े। 45 दिनों बाद बसें और ट्रेनें भी चली, इन्होंने इंतज़ार नहीं किया या ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी। आप देखिए ये जुगाड़ गाड़ी से, इसे जुगाड़ गाड़ी कहते हैं, पूरा परिवार या पड़ोस के लोग सब निकल पड़े। ऐसी हजारों तस्वीरें मिलेंगी प्रवासियों के, मजदूरों के घर वापसी की। ये भारत के मामूली बंदे हैं और एक मिशन भी चल रहा है जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। हवाई जहाज़ों से, विदेशों से और भारतीयों को लाया जा रहा है, जिनके लिए 5-स्टार फैसिलिटी दी जा रही है, उन्हें होटलों में क्वारंटीन किया जा रहा है। पर एक आम भारतीय के लिए क्या व्यवस्था है, ये सभी जानते हैं। मजबूरियां जो भी हो, दूरदर्शिता की कमी नज़र आ रही है, राजनीतिक ऊहापोह की स्थिति है, इस महामारी में भी राजनीति हावी है, तो भारत के लिए दुखद है। OMG बिहारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें।